हेलो गाइस, क्या आप भी टॉप लेवल का जीबी व्हाट्सएप यूजर बनना चाहते हैं? तो इस वीडियो को देखते रहिएगा। आज की इस वीडियो में आपको जीबी व्हाट्सएप की टॉप 20 सीक्रेट सेटिंग के बारे में बताऊंगा। अगर आप इन सेटिंग को अपने जीबी व्हाट्सएप पर अप्लाई कर लेते हैं तो आप टॉप लेवल के जीबी व्हाट्सएप यूजर बन जाएंगे और साथ ही जो भी आपका जीबी व्हाट्सएप देखेगा देखकर हैरान हो जाएगा, चौंक जाएगा। तो गाइस चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, तो बिना स्किप किए एंड तक वीडियो को देखते रहिएगा, तभी आप इन सेटिंग को अप्लाई कर पाएंगे। तो गाइस सबसे पहले यहां से एक बार हम अपने जीबी व्हाट्सएप को डिफॉल्ट कर देंगे जिससे आपको समझना और भी आसान। तो गाइस यहां से एक बार हमने अपने जीबी व्हाट्सएप को डिफॉल्ट कर दिया है। अब नंबर वन सेटिंग की बात करते हैं, जो जीबी व्हाट्सएप स्टेटस होता है इंस्टाग्राम स्टोरी जैसा कैसे दिखे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहां ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहां जीबी सेटिंग्स पर आना है। ओके, उसके बाद यहां देखेंगे आपको देखने के लिए मिल जाएगा होम स्क्रीन, तो आपको होम स्क्रीन पर आ जाना है। ओके, उसके बाद यहां सबसे ऊपर देखेंगे हेडर, तो आपको हेडर पर क्लिक कर लेना है। ओके, उसके बाद यहां पर देखेंगे ऊपर से तीसरे नंबर इनेबल इंस्टाग्राम लाइक स्टोरी, तो आपको इसे ऑन कर देना है। उसके बाद यहां से आपको अपने जीबी व्हाट्सएप पर जाना है, देखेंगे जो जीबी व्हाट्सएप स्टेटस है इंस्टाग्राम स्टोरी जैसा दिखने लगेगा। अब गाइस नंबर 2 सेटिंग की बात करते हैं, यहां ऊपर अपना नाम कैसे शो किया जाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहां वापस 3 डॉट पर क्लिक करना है, जीबी सेटिंग्स पर आना है, उसके बाद होम स्क्रीन पर आ जाना है, उसके बाद यहां हेडर पर क्लिक करना है। उसके बाद यहां नीचे देखेंगे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा सेट माई नाम, तो आपको इसे ऑन कर देना है। जब आप इसे ऑन कर देंगे तो आपको यहां से बैक आना है अपने जीबी व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पर, तो यहां पर देखेंगे ऊपर आपका नाम शो होने लगेगा। अब गाइस नंबर 3 सेटिंग की बात करते हैं, यहां जो सभी लोगों का व्हाट्सएप डीपी प्रोफाइल डीपी होता है इसे स्टाइलस कैसे करें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहां ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना है, उसके बाद जीबी सेटिंग्स पर आना है, उसके बाद होम स्क्रीन पर आना है, उसके बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा फोटो कॉर्नर, तो गाइस यहां पर देखेंगे आपको इसे थोड़ा कम कर देना है, जितना आप कम करेंगे उतना अच्छा देखेगा। उसके बाद यहां से आपको बैक आना है, यहां से हम बैक आएंगे तो देखेंगे जो सभी लोगों का व्हाट्सएप प्रोफाइल डीपी होती थी कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा। अब गाइस फोन नंबर सेटिंग की बात करते हैं, यहां जीबी व्हाट्सएप पर फॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज किया जाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहां 3 डॉट पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद जीबी सेटिंग्स पर क्लिक कर लेना है, उसके बाद यहां पर देखेंगे आपको देखने के लिए मिल जाएगा यूनिवर्सल, तो आपको यूनिवर्सल पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद यहां ऊपर देखेंगे आपको देखने के लिए मिल जाएगा स्टाइलिश लुक एंड फील, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहां नीचे देखेंगे आपको देखने के लिए मिल जाएगा फॉन्ट स्टाइल, तो आपको इस पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद अभी जो मैं सेलेक्ट करूंगा आप भी वही सेलेक्ट कर लेना जिससे देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, तो अभी यहां से मैं एक लेता हूं, यहां से भी मैं आपको बता दूंगा कौन सा लेना है, ये ले लेना है ऊपर का, तो यहाँ से मैं ले लिया। अब यहाँ से आपको बैक आना है। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे जो जीबी व्हाट्सएप फॉन्ट स्टाइल है चेंज हो गया, देखने में भी अच्छा लग रहा है। अब गाइस 5 नंबर सेटिंग की बात करते हैं, जीबी व्हाट्सएप डिलीट मैसेज रिकवर कैसे किया जाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करना है, उसके बाद जीबी सेटिंग्स पर आना है। ओके, उसके बाद यहाँ यूनिवर्सल पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पर देखेंगे बैकअप एंड रिस्टोर, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे बैकअप व्हाट्सएप डाटा, तो आपको इस पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से बैकअप ले लेना है। ओके, अभी वीडियो में बने रहिएगा, अभी यहाँ से यहाँ बैकअप लिया जा रहा है, यहाँ से बैकअप हो गया। अब आपको यहाँ से बैक आना है अपने जीबी व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पर, यहाँ पर मैं कोई भी चैट डिलीट कर दूंगा पूरा क्लियर, यहाँ पर देखेंगे 3 डॉट मोर क्लियर चैट, यहाँ से हम पूरा क्लियर कर देंगे। ओके, देखेंगे सभी चैट डिलीट हो गई है, अभी यहाँ से मैं इस चैट को वापस ला के दिखाऊंगा। 3 डॉट पे आना, जीबी सेटिंग्स पर आना, यूनिवर्सल पे आना है, उसके बाद बैकअप एंड रिस्टोर, उसके बाद यहाँ देखेंगे रिस्टोर व्हाट्सएप डाटा, तो आपको इस पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से रिस्टोर नाउ कर देना है। ओके, तो अभी देखेंगे जो डिलीट हुई है चैट सभी वापस आ जाएगी, यहाँ पर देखेंगे आपके सामने जो डिलीट हुई थी चैट सभी वापस आ गई। अब गाइस 6 नंबर सेटिंग की बात करते हैं, यहाँ पर ये टेक्स्ट मैसेज है इसका कलर कैसे चेंज किया जाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद जीबी सेटिंग्स पर आना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे होम स्क्रीन, तो आपको होम स्क्रीन पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ ऊपर से दूसरे नंबर पर देखेंगे रॉ, तो आपको रॉ पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा टेक्स्ट कलर, तो आपको इस पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से आपको जो भी कलर करना है यहाँ से पूरा करके, उसके बाद यहाँ से न्यू कलर कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे कॉन्टेक्स्ट नाम कलर, यहाँ से आप इसे भी चेंज कर सकते हैं, चलिए यहाँ से मैं इसे कर दिया। ओके, उसके बाद यहाँ से न्यू कलर कर देना है, उसके बाद यहाँ देखेंगे अनरीड मैसेज काउंटर कलर, तो आपको इसे भी यहाँ से अपने मनचाहा अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने कर दिया। अब गाइस इतना काम करने के बाद आपको यहाँ बैक आना है अपने जीबी व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पर, यहाँ पर देखेंगे सभी कलर चेंज हो चुका है,
अब गाइस आगे की सेटिंग की बात करते हैं। यहाँ से कॉल बटन का ऑप्शन जो है इसे कैसे ऐड किया जाता है, प्रोफाइल डीपी नाम कैसे ऐड किया जाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आपको बैक आना है, ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करना है, जीबी सेटिंग्स पर आना है। उसके बाद यहाँ नीचे देखेंगे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा चैट स्क्रीन, तो आपको चैट स्क्रीन पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद यहाँ सबसे ऊपर देखेंगे आपको देखने के लिए मिल जाएगा एक्शन बार, तो आपको एक्शन बार पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद यहाँ देखेंगे आपको देखने के लिए मिल जाएगा हाइड कॉन्टैक्ट प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ से आपको इसे ऑन कर देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हाइड कॉन्टैक्ट नाम, यहाँ से इसे भी ऑन कर देना है। अब यहाँ पर देखेंगे हाइड कॉल बटन, इसे भी आपको यहाँ से ऑन कर देना है। अब यहाँ से आपको बैक आना है अपने जीबी व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पर। तो यहाँ पर देखेंगे, अभी मैं चैट को ओपन करूँगा, यहाँ पर देखेंगे जो नाम था, प्रोफाइल फोटो थी, नंबर सब यहाँ से हाइड हो चुका है। अब गाइस आगे की सेटिंग की बात करते हैं, यहाँ चैट पर अपनी और सामने वाले व्यक्ति की फ़ोटो कैसे सेट करें, यानी कि जब भी आप किसी से चैट करेंगे तो चैट वाला जो चैट होता है वहाँ पर सामने वाले व्यक्ति का और आपका फोटो शो होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, जीबी सेटिंग्स पर आना है, उसके बाद यहाँ चैट स्क्रीन पर आ जाना है। ओके, चैट स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा फिक्स, तो आपको फिक्स पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद यहाँ सबसे ऊपर देखेंगे चैट कॉन्टैक्ट की, तो आपको इसे ऑन कर देना है। ओके, उसके बाद यहाँ देखेंगे चैट माई पिक, तो आपको इसे भी ऑन कर देना है। अब गाइस यहाँ पर देखेंगे आपको देखने के लिए मिल जाएगा चैट माई ग्रुप पिक, आप यहाँ से ऑन कर देंगे तो चैट में भी आपकी पिक, जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है उसमें भी आपकी पिक शो होगी। अब यहाँ से आपको बैक आना है, यहाँ से आपको किसी भी चैट को ओपन कर लेना है। जैसे यहाँ से मैंने कर लिया, यहाँ पर देखेंगे एक दूसरे का जो डीपी है शो हो रही है चैट के साथ, जो भी चैट किया है दूसरे वाले पे भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखेंगे एक मिनट, यहाँ पर देखेंगे इसमें भी डीपी शो हो रहा है। अब गाइस आगे की सेटिंग की बात करते हैं, यहाँ जीबी व्हाट्सएप होम स्क्रीन पर अपना फोटो वॉलपेपर के रूप में कैसे सेट किया जाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है, जीबी सेटिंग्स पर आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा यूनिवर्सल, तो आपको यूनिवर्सल पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद यहाँ सबसे ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कलर, तो आपको कलर्स पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद ऊपर से तीसरे नंबर पर देखेंगे बैकग्राउंड, तो आपको बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेगा, सबसे नीचे देखेंगे फोटो, तो आपको फोटो पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपके फ़ोन की गैलरी में शो होगा, तो आपको जो भी फ़ोटो लगाना है, जैसे यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे आपको देखने के लिए मिल जाएगा सेट वॉलपेपर, तो आपको वॉलपेपर पर क्लिक करके यहाँ से आपको सेट कर लेना है। अब आपको यहाँ से बैक आना है अपनी जीबी व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पर, तो अभी यहाँ पर देखेंगे आपका फोटो वॉलपेपर के रूप में सेट हो जाएगा। अब गाइस आगे की सेटिंग की बात करते हैं, जीबी व्हाट्सएप पर बिना नंबर सेव किए मैसेज कैसे किया जाता है, तो गाइस उसके लिए आपको क्या करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा मैसेज या नंबर, तो आपको मैसेज या नंबर पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर पहले 91 डाल देना है, उसके बाद जिसके पास आपको मैसेज करना है उसका नंबर डाल देना है, जैसे यहाँ से मैंने डाल दिया एक, यहाँ पर मैसेज पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ से चैट कर सकते हैं, कॉल पर बात कर सकते हैं। अब गाइस आगे की बात करते हैं, जीबी व्हाट्सएप ऑनलाइन स्टेटस हाइड कैसे किया जाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर देखेंगे जीबी सेटिंग्स, जीबी सेटिंग्स पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ सबसे ऊपर देखेंगे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, तो आपको इस पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद यहाँ सबसे ऊपर देखेंगे फ्रीज लास्ट सीन, तो आपको इसे ऑन कर देना है। अब गाइस आगे की सेटिंग की बात करते हैं कि जो ब्लू टिक होता है उसे कैसे हाइड किया जाता है, तो यहाँ पर आपको देखेंगे कॉन्टैक्ट, तो आप कॉन्टैक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे हाइड ब्लू टिक, हाइड सेकेंड ट्रिक, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, हाइड माइक्रोफोन, हाइड जो आप टाइपिंग करते हैं सामने वाले व्यक्ति के चैट पर शो होता है कि आप टाइपिंग करते हैं, यहाँ से हाइड कर सकते हैं। हाइड रिकॉर्डिंग, जब भी आप कोई वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को पता चलता है कि आप कोई मैसेज रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं। गाइस आगे की सेटिंग की बात करते हैं कि किसी का चैट हाइड कैसे किया जाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना, ऐसे जिस चैट को हाइड करना है ऐसे दो सेकंड दबा के रखना। उसके बाद यहाँ ऊपर देखेंगे आपको थ्री डॉट देखने के लिए मिल जाएगा, तो आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद यहाँ नीचे देखेंगे हाइड चैट, तो आपको इस पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ से एक पासवर्ड पैटर्न डाल देना है। यहाँ पर देखेंगे चैट हाइड हो गई, अब उसे देखने के लिए आपको क्या करना, यहाँ ऊपर आपको अपने नाम पर क्लिक करना है, उसके बाद वो पासवर्ड डालना है। यहाँ पर देखेंगे चैट आ चुका, अगर आप इसे अनहाइड करना चाहते आपको इसे दो सेकंड दबा के रखना है। उसके बाद यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करना है, उसके बाद देखेंगे अनहाइड चैट, आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से सेम वही पैटर्न लॉक डाल देना आपको। तो यहाँ पर अभी देखेंगे जो चैट थी वो अनहाइड हो चुकी है। तो गाइस ये आ रही जानकारी, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो।